यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1.6 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। खुर्जा पुलिस और विशेष दल ने चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो कार से इसे बरामद किया। सूचना के बाद आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और नकदी को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान चालक नकदी को लेकर दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। बताया जा रहा है कि नकदी पशु व्यापारी की है।